नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया समाचार 27 पे और मैं हूँ शिवानी रौतेला आपके साथ। आज सभी की नजर ब्रिटेन पे टिकी हुई है क्योंकि किंग्स चार्ल्स की ताजपोशी आज हुई है। आपको बता दें कि उनकी ताजपोशी के लिए दुनिया भर से सभी लोग जमा हुए हैं और इसमें खर्चा 1,000 करोड़ से ज्यादा का बैठा है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की मौत के बाद राजा बने किंग्स चार्ल्स, और अब हम आपको इस पूरी रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं कि प्रिंस चार्ल्स से लेकर किंग चार्ल्स बनने तक का सफर और क्या क्या विवादों में, किस किस विवादों में ये रहे हैं। 8 सितंबर 2022 को अपनी माँ महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद किंग चार्ल्स राजा बने। 1958 में 9 साल की उम्र में चार्ल्स को प्रिंस ऑफ वेल्स बनाया गया था। ब्रिटिश राजशाही की ये उपाधि खास तौर से राजा या महारानी के उत्तराधिकारी के लिए होती है। चार्ल्स ने अपने पिता, दादा और परदादा के नक्शे कदम पर चलते हुए रॉयल एयरफोर्स को ज्वाइन किया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने इसकी ट्रेनिंग भी ली थी। आपको बता दें कि ताजपोशी के बाद अब उन्हें किंग्स चार्ल्स तृतीय कहा जाएगा। वहीं उनकी पत्नी कैथरीन अब ड्यूस ऑफ कॉर्नवॉल कहलाएंगी। चार्ल्स शाही परिवार के एक ऐसे सदस्य हैं जिनके प्यार और विवाद के कई किस्से मशहूर हैं, जिसकी चर्चा सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हुई है। यूं तो चार्ल्स की शादी 24 जुलाई 1981 को 13 साल की छोटी डायना स्पेंसर से हुई थी, लेकिन चार्ल्स का पहले से शादीशुदा कैमिला के साथ नाम जुड़ा जाता था और उनका अफेयर चल रहा था। कहा जाता है कि ये बात डायना को मालूम थी और वो शादी को तोड़ना चाहती थी, लेकिन वो शाही परिवार के खिलाफ जाने का बड़ा कदम उठाने की हिम्मत ना कर सकी और 1956 में प्रिंस चार्ल्स और डायना का तलाक हो गया। इसके बाद कैमिला से शादी हो गई। हालांकि शादी के बाद भी चार्ल्स का नाम कई महिलाओं से जोड़ा गया, वो चर्चा में रहे। और कहा यह भी जाता है कि डायना की मौत के पीछे का राज बहुत गहरा है जो आज तक खुला नहीं है। आपको बता दें कि किन किन से नाम जुड़ा था चार्ल्स का। इसमें स्पेन के ब्रिटिश एम्बेसडर की बेटी जॉर्जियाना रेचल आती हैं, आर्थर आती हैं, मॉडल फियोना वॉटसन, लेडी जेन वेस्ली, डेविना, लेडी सारा स्पेंसर के अलावा और भी बहुत सारी महिलाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि एक बार पैसा लेकर नागरिकता दिलाने में नाम सामने आया था प्रिंस चार्ल्स का। बताया जाता है कि चार्ल्स की अपनी एक चैरिटी संस्था है जिसका नाम है प्रिंस ऑफ वेल्स चैरिटेबल फंड। चार्ल्स पर यह आरोप लगा चुका है कि उनकी संस्था ने अमीरों से पैसे लेकर उन्हें नागरिकता देने का काम किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे प्रिंस चार्ल्स की संस्था दूसरे देशों के लोगों से पैसा लेकर नाइटहुड सम्मान और नागरिकता देने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में इसका सबूत देने का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट्स में सऊदी अरब के एक नागरिक से जुड़े ऐसे दस्तावेज पेश किए गए हैं जिसकी पुष्टि भी हो चुकी है। आपको बता दें कि मामला चर्चा में आने के बाद चार्ल्स को अपनी संस्था में बड़े पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। इसके साथ साथ आतंकी लादेन के परिवार से मिलना, दान स्वीकार करने का भी आरोप लगा है। आरोप ये था कि 2023 में चार्ल्स आतंकी ओसामा बिन लादेन के परिवार से दान स्वीकार कर रहे थे। प्रिंस चार्ल्स ने लंदन में अलकायदा चीफ रहे लादेन के सौतेले भाई शेख बकर से और शरीफ बिन लादेन से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान 10 पाउंड लिया था। इसके अलावा एक बड़ा आरोप ये भी है कि पैसे को छिपाकर ऑफशोर कंपनी में लगाने का आरोप इन पे लगा था। आपको बता दें कि चार्ल्स का नाम पैराडाइज पेपर्स के डॉक्यूमेंट्स में भी सामने आया था। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि चार्ल्स ने छिपाकर अपने पैसे ऑफशोर कंपनी में लगाए हैं। ये वो कंपनी थी जो क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर काम करती थी। तो ये थे सारे विवाद जिसमें किंग्स चार्ल्स तृतीय अभी तक फंसे हुए थे, फंसे नहीं कहेंगे लेकिन जिन पर ये आरोप लगे हुए थे। अब आपकी इन पे क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप ताजपोशी देखने गए हैं या आप लाइव देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं।